हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम रेडी हो चुके हैं क्योंकि अभी जा रहे हैं हम मार्केट। सबसे पहले तो मुझे ये फ्रेम चेंज करना है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। इसको चेंज करा के आना है। बच्चों के कपड़े लेके आने हैं, एक दो पौधे लेके आने हैं और एक दो चीज़ें और हैं। मुझे मैट लेकर के आने हैं। उसके लिए तो मुझे विशाल जाना था मैट लाने के लिए, तो क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं। तो विशाल तो भी नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ भी मवा नहीं। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि लेके आनी है। तो मैंने सोचा चलो अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर। अच्छा नहीं लग रहा ना फ्रेम बिल्कुल भी। ये अगर ये ब्लैक भी होता ना तो भी बढ़िया लगता। ये इस कलर का है तो नहीं अच्छा लग रहा। तो चलो, और देखिए ये वाला ना, ये वाला एरिया कितना सुंदर लग रहा है। आप लोगों ने, मैंने अभी अभी मैं वीडियो के कमेंट पढ़ रही थी जो मैंने आज ही वीडियो लाइव किया है, और उस वाले वीडियो पे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आप लोग कर रहे हो कि घर बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और देखिए सारे के सारे कैसे बैठे हैं। एक दो टॉयज मैं और इसके आज लाने वाली हूँ। एक तो बजाने वाला, क्योंकि इसके एक दो थे वो टूट गए हैं, तो आज लेकर के आऊँगी। अभी पाखी स्कूल से आई है, वो नहा रही है, नहा लेगी, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा पी लेगी और फिर हम निकलते हैं मार्केट के लिए। चलिए फिर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या लेकर के आते हैं बाजार से। अभी जो है मार्केट से आ गए हैं और मैंने जो है वो फ्रेम भी चेंज करवा लिया है। ये पहले वाइट था तो ये इस बार जो है वो ब्लैक मैंने लगवाया है। वो बहुत गंदा सा लग रहा था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो लगाने का भी मन नहीं लग कर रहा था। और अब ऐसी कंडीशन हो रही है मेरी आँखों की कि मैं बगैर चश्मे के मानो दुनियादारी से दूर। और अभी मार्केट से आ गए हैं तो अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि मुझे सर में दर्द हो रही है। तो अभी चाय बना लेती हूँ पहले, और फिर जो है खाना पीने का भी देखना है। मांटू है बेटा बाथरूम में, वो टंग रहा मेरा उस पे टंकी पे मंगलसूत्र ला दी। चीनी दोबारा डालने वाली थी, मैंने चीनी डाल दी तो मैं चली गई बच्चों को देखने। चाय पत्ती भी डाली नहीं थी, और ये चाय की पत्ती ना मम्मी ने मंगवा के दी थी जब पापा जी आए थे ना, तब लेके आए थे। मम्मी मुजफ्फरनगर से चाय पत्ती मंगाती है ना, तो वहीं से मेरे लिए भी मतलब के लेके आए थे। तो वो हो गया, और अभी डालती हूँ इसमें। बहुत अच्छी चाय की पत्ती होती है ये, और खुली चाय की पत्ती मिलती है ये, और ये वहीं से आसाम से आती। मन तो रहने बेटा, ये भी रही सही भी लाइट खराब हो जाएगी। मजा रहा तो उसके साथ खेल, मजा आ रहा था। फिर जो है सब्जी वब्जी बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, और कुकर लेके आई हूँ ना जो, उसमें खीर बनेगी। ये दो बोतल थी, एक में मैंने सरसों का तेल डाल लिया है और एक में रिफाइंड। अच्छी लगी, मैंने ना ये दोनों निकाल ली हैं और दोनों में तेल भर के जो है मैं किचन के स्लैब पर ही रख लूँगी। इतनी सारी सेव जो है ना वो ख़राब निकली है। एक सेव में से चार ही फांक निकली है, बाकी के सारी ये ख़राब निकल गई।
चलो जी, मैं भी चाय पी लेती हूँ अभी। ये मार्केट में गए थे, आ रहे थे जब, तो इनकी बाइक का तेल ख़त्म हो गया। काफ़ी मतलब ज़्यादा लेट हो गया। मैं तो टाइम से जाने वाली थी और टाइम से ही आने वाली थी, क्योंकि मुझे लेट मार्केट में बच्चों के साथ में अच्छा नहीं लगता। मुझे ये रहती है कि जल्दी बस घर चलो घर चलो, तो वही चलता रहता मन में। आंटी बेटे से चुप कर लें, अभी मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद में जो है फिर खाना पीना बनाऊँगी। काफ़ी लेट हो रहा है और आज मैंने सेकेंड टाइम कुर्ती डाली है। उस दिन पहनी थी जिस दिन रश्मि आई थी ना, उस दिन पहनी थी मैंने कुर्ती, या फिर आज पहनी है। काफ़ी अच्छी लगती है। जो भी मैं शॉपिंग करके लाई हूँ वो मैंने सब दिखा दिया है अपने दूसरे वाले चैनल पर, और उस पर आप लोग जा कर के देख सकते हैं। तो जी, हमारा नया कुकर जिसमें अभी हम बनाने जा रहे हैं खीर। चलिए फिर खीर बनाएंगे सबसे पहले, और फिर बनाएंगे क्या बनाएंगे, फिर बनाएंगे हम आलू गोभी की सब्जी। ये दोनों जो ग्लास हैं उनको भी मैं किचन में ही रख लेती हूँ, दोनों के लिए एक एक ग्लास हो जाएगा ये। कुकर की ओपनिंग, और इसका ना है ये रहा, देख रहे हो आप, यहाँ पे लिखा है, बाकी सब जगह मिस मैरी ही लिखा है। तो है तो हॉकिंग्स का ही ना, फ्रॉम न्यू फ्रॉम हॉकिंग्स। और ये है इसका ढक्कन और ये है इसकी सीटी। और अभी हम जो खीर है ना वो कुकर में ही बनाएंगे। तो जी अभी रख दी है खीर, जो है मैंने चढ़ा दी है बनने के लिए। जो लोग चंचल को बहुत प्यार करते हैं वो बहुत पूछते हैं आपके चंचल कहाँ है कहाँ है, दिखाई नहीं देती। चंचल देखिए इस तरीके से घुसी रहती है, अब इसको मैं कहाँ से आप लोगों को दिखाऊँ। बेड के नीचे घुस जाएगी, सोफों के साइड में इस तरीके से रहती है ये। अब बताइए आप लोग मैं कैसे इसको दिखाऊं। और अभी जो है मैंने कुकर में खीर बना ली है और काफ़ी अच्छी बन गई। और आज मीठा तो वैसे तो देखिए, पहले जब भी हम कोई नया बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ना दूध की चीज़ें ही बनाते हैं, तो मैं उसके खीर के लिए ना ड्राई फ्रूट कट कर रही हूँ। तो मुझे मखाने अच्छे लगते हैं खीर में, और बस यहाँ पे मैंने बादाम काजू सारी चीज़ें कट करके डाल दी। और देखिए खीर जो है वो हमारी बन चुकी है, खीर हो जाएगी और आलू गोभी की सब्जी हो जाएगी, जो कि हम सभी लोगों की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया है और सब्जी हमारी बन के हो गई है तैयार। और दूसरी तरफ जो है मैंने यहाँ पे दही थी उसको फेंट लिया, उसको छूंक लगा दिया, क्योंकि इनको तो आलू गोभी के साथ में मट्ठा अच्छा लगता है। जो है खाना पीना बना दिया है, वो दोनों खा रहे हैं, मैं तो बाद में खाऊंगी जब वो खा लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रो रही है। चलिए फिर अपने बच्चे को, मैं शहजादी, मैं शहजादी, मैं राजकुमारी। मेरे को धुलने हैं कपड़े, तो मशीन लगा दी है मैंने, और इसमें काफ़ी यूज़ कर रही हूँ मैं मशीन को टाइम के हिसाब से, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदे कपड़े भी नहीं हैं और वुलन भी अभी थोड़े से जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं कपड़े, हल्के मोटे मतलब ज़्यादा नहीं, पाखी के लिए भी, सुबह के लिए और अनाया के लिए तो है ही। मशीन मैं चालू करके देख रही थी पर वोल्टेज जो है वो हाई हो रही है, वोल्टेज हाई, वोल्टेज। अब मैंने तो इसकी ड्रेस भी डाल दी इसमें।
तो यहाँ पे जितना भी सामान मैं लेके आई थी आप लोगों के साथ में शेयर किया, वो भी सारे कपड़े उपड़े उठा के रख रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे भी पैकिंग करनी है, तो उसी के लिए सारे कपड़े उपड़े मैंने निकाल रखे हैं जी। अभी मैंने यहाँ पे अपने सारे कपड़े वगैरह रख लिए हैं, बास्केट निकाल ली है और बाकी की भी और अनाया की भी और अपने कपड़े निकालने भी बाकी हैं मुझे। दोनों बैग निकाल लिए हैं और मैं जा रही हूँ कुछ दिन के लिए, तो सारा सामान रखना है, क्यों जा रही हूँ, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को आगे व्लॉग में देखने को जो है वो मिल जाएगी। फिलहाल मेरे सर में बहुत तेज वाला दर्द हो रहा है और ये वीडियो मैंने कंटिन्यू किया है नेक्स्ट डे। मार्केट गई थी मैं, मार्केट से आई हूँ अभी, और डॉक्टर के यहाँ भी गई थी, दोनों चीज़ें करके जो है वो आ गई हूँ। और फिलहाल सारे कपड़े वगैरह जितने भी हैं, बैग वगैरह सब कुछ मैंने निकाल लिया है, और अनाया को भी जो है वो मैं सुला के आई हूँ, अनाया सुला दी है। और अभी मैं चाय बनाऊँगी अपने लिए, दवाई लूँगी, और ये मलाई रखी हुई है निकाल के, मलाई मुझे करनी है, मेरा बहुत सारा काम है जो मुझे करना है। सबसे पहले तो गोपाल जी को भोग लगाती हूँ, और आज झाड़ू निकाल दी थी सुबह पूरे घर में, और पूरा घर समेट दिया था, पोछा वगैरह कुछ भी नहीं लगा है। वैसे इतना गंदा तो नहीं हो रहा, पर मैं ऐसे कभी छोड़ती नहीं हूँ ना, मुझे मतलब कि अच्छा नहीं लगता, घर में पोछा लगना चाहिए, पर कोई बात नहीं। आज मतलब मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, कपड़े धुले थे, मशीन लगी थी, कपड़े भी धुले हुए इसमें ही हैं, ये भी निकालने हैं मुझे और दूसरे डालने हैं, यानी कि कंबल वगैरह जो है, एक कंबल तो मुझे भी बेड में से निकालना है, और एक ये, क्योंकि मुझे जो है दो कंबल भी लेकर के जाने हैं, तो वही सब। बहुत मोटे मोटे मच्छर हो रहे हैं, और अनाया को लेकर के, बच्चों को लेकर, दोनों को बड़ा डर लगा रहता है, क्योंकि मच्छरों का ना बहुत बुरा आतंक हो रहा है। सारी मतलब दवाई वाई से लगा के भी रखते हैं फिर भी, और अभी भी ना टाइम काफ़ी हो रहा है, लेट हो रहा है, अंधेरा होने वाला है। अभी मुझे पैकिंग वगैरह करनी है, या तो मैं कल शाम को निकलूँगी, कल मतलब 4-4:30 बजे से जो है वो निकल जाऊँगी, जब ये कोर्ट से आ जाएंगे तब मुझे छोड़ के आएंगे। पाखी की जो है ट्रिप भी थी 5 तारीख की, पर अभी सब कुछ कैंसिल हो गई। अभी करती हूँ एक दो काम और कपड़े इकट्ठे करती हूँ, क्योंकि कपड़े धोने की टेंशन मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है, कपड़े धुलने हैं उसकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये वाली मशीन भी लगानी है, कुछ कपड़े ऐसे हैं जो इसी वाली मशीन में जो है वो धुलेंगे, और वो भी लगाऊंगी, दोनों ही मशीन जो है वो मैं लगाऊंगी। स्कूल से ट्यूशन पढ़ के वो कहाँ रहेगी, स्कूल से ट्यूशन पढ़ के आ गए। चेहरा फिर से दिखाइए, ब्लैक शर्ट किसी जमाने में क्या टॉप की लगती थी, किसी जमाने में क्यों अब नहीं लगती ना, उतना कहाँ रंग रूप रहा, याद है तुम्हें करो हमारे, क्यों क्या दिक्कत हो रही तुम्हें, देख लो, नहीं तुम वो टाइम देख लो, तुम वो बताओ, नजदीक से देखो लगना, तुम देखो तुम अपने शर्मा, तुम वो ध्यान करो, जब मैंने ब्लैक शर्ट और पैंट सिलवाई थी और हमारी बच्ची चोरी थी, उसमें मेरी ब्लैक पैंट और शर्ट भी बीमार हो गया था, जब गाजियाबाद था मैं होस्टिंग, गाजियाबाद थी ना, बीमार हो गया था, नजर लगी थी बीमार, हाँ नजर लगी थी। और एक 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 जोड़ी मतलब जब हमारी चीज चोरी हुई थी ना दिल्ली, तो तब इनके एक जोड़ी कपड़े भी चोरी हो गए थे, मतलब उन्हें ना सामान उसमें से चीज निकालने की जगह नहीं मिली थी, तो उन्होंने कपड़े से चीप सी आवाज कर, तो उन्हें वो चीज निकालने की उसमें से जगह नहीं मिली, तो उन्होंने क्या काम करा, नीचे से सबसे पहले इनके पैंट शर्ट निकाल कर डाले, तुम निकलो पहले बाहर, बड़ा बुरा टाइम था वो भी। दिल्ली में हमने अच्छा वक्त बहुत कम गुजारा, बुरा जितना भी मतलब कि स्ट्रगल टाइम, बुरा टाइम जिसको बोलें वो था, मतलब हर एक दिन एक नई चुनौती, बहुत
कम अमाउंट में दिल्ली में रहना सबसे बड़ा स्ट्रगल तो यही है, फिर उसमें पूरा घर मैनेज करना हर एक चीज़ को, वो भी है। और परेशानियां ना अलग अलग तरीके की होती हैं, जब अलग तरीके की थी अब अलग तरीके की हैं, आगे चलेंगे जब अलग तरीके की होंगी। और शायद इसी को जो है वो ज़िंदगी कहते हैं, उतार चढ़ाव और परेशानियां, इस ये नहीं होंगी तो ज़िंदगी किसे कहेंगे, फिर सब कुछ छोड़ छाड़ दो कुछ भी परेशानी नहीं है, तो हर एक चीज़ चलती रहती है लाइफ में, ये कोई वो वाली बात नहीं है, बड़ी बात तो है क्योंकि मेरा पता है, मैं सोच रही थी मैं ना अपना वेट कम करूंगी, वेट कम करूंगी, डाइटिंग करूंगी, ये वो, और अभी कुछ टाइम से बिना डाइटिंग साइटिंग कुछ भी करे, ये सूट मुझे फंस रहा था, ये सूट मुझे आ नहीं रहा था। उस दिन जिस दिन मम्मी आई थी दीपावली की साफ सफाई करवाने, और अब ये सूट मुझे बिल्कुल सही आ रहा है, ये कहीं से ना टाइट है ना कुछ है, और ये सूट मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा था उस टाइम पे, और अभी ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। मैं एक चीज़ देख के खुश भी हूँ कि मेरा वेट वैसे ही कम हो रहा है। और देखिए भी त्योहार थे, त्योहारों में खाना पीना काफ़ी ज़्यादा भी हुआ, और फिर भी मतलब कि मेरा जो है वो वेट ऐसे ही कम हो रहा है। तो बोलते हैं ना कि जब खुशी होती है तो इंसान मोटा होता है, और परेशानी दुख इंसान को बिना डाइटिंग साइटिंग के ही घटा देता है, तो वही वाली चीज़ है। चलिए फिर, बहुत सारी बातचीत होगी आप लोगों से, अभी करती हूँ इस वीडियो का एंड, और पैकिंग सैकिंग भी मुझे करनी है, निकलना भी है, कल देखती हूँ कल ये छोड़ेंगे मुझे या फिर कब और क्यों जा रहे हैं, वो चीज़ आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस में आगे देखने को मिलेंगी, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को जो है वो वीडियो में देखने को मिलने वाली है। चलिए फिर करते हैं वीडियो का एंड, और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।